राज्यसभा में संघ लोक सेवा आयोग के सीसेट मामले और श्रीलंका सरकार की वेबसाइट पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हुआ हंगामा, राज्यसभा में नहीं चल पाया प्रश्नकाल। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में आज यूपीएससी परीक्षा का मामला उठा। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि छात्रों को अब यूपीएससी सीसेट का विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने सरकार के फैसले का समर्थन किया। यूपीएससी सीसेट विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के एक समूह ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार ने अंग्रेजी भाषा के नंबरों को मेरिट लिस्ट से हटाने की बात कही है, लेकिन छात्र पूरी तरह से सीसेट के खिलाफ हैं। भाजपा के संसदीय दल की आज संसद भवन में बैठक हुई। बैठक में संसदीय दल ने एक प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक नेपाल यात्रा की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में ई रिक्शा पर रोक के फैसले को रखा बरकरार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में ई रिक्शा को नियंत्रित करने के लिए केंद्र से मसौदा दिशा निर्देश तैयार करने को कहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। CRR बिना किसी बदलाव के 4% पर रखा गया, वहीं रेपो रेट भी 8% पर बरकरार है। हालांकि RBI ने SLR में 0.5% की कटौती की है और यह अब 22% हो गया है। संघर्षग्रस्त लीबिया में फंसी केरल की 44 भारतीय नर्सें आज अपने देश लौटी। परिवार के लोगों ने हवाई अड्डे पर इनका स्वागत किया। 2 दिन पहले 58 नर्स त्रिपोली से ट्यूनिशिया पहुंची थी, जिनमें से आज 44 वापस आ गईं। बिहार के कोसी में बाढ़ का खतरा कम हो गया है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने अब केवल 3 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया है। इससे पहले सरकार ने कुल 9 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया था, लेकिन राज्य सरकार ने 6 जिलों से ये चेतावनी वापस ले ली है। ओडिशा में महानदी और दूसरी नदियों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। लगातार मूसलाधार बारिश से 3 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर राज्य सरकार ने 12 जिलों में अलर्ट घोषित किया है। मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर बगदरी पिकनिक स्थल पर कल 3 परिवारों के 11 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। इनमें से 7 के शव बरामद कर लिए गए थे। सरकार किसान चैनल को लॉन्च करने की अंतिम रूपरेखा पर काम कर रही है। इसी के मद्देनजर कल सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रसार भारती और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के अलावा कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। पिछले काफी दिनों से जारी खूनी संघर्ष के बाद आखिरकार इजराइल और फलिस्तीन 72 घंटे के लंबे संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए हैं। संघर्ष विराम की मियाद गजा में भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई।